हेलो गाइस, मैं नहाने जा रहा हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पापा भी अभी नहीं पर नहा रहे हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह हम नहा रहे हैं। यहाँ पर हमारी मोटर चल रही है और शाम आ गया है नहाने के लिए, तो हम दोनों यहाँ पर नहाएंगे आज, क्योंकि कुएं का पानी काफ़ी नीचे जा चुका है। तो आप देख सकते हैं ये, तो कुएं में तो हम कूद कर भी नहीं नहा सकते आज, क्योंकि तो कूद जाएंगे तो फिर ऊपर कैसे आएंगे। सीढ़ियाँ नहीं हैं और सामने भी कपड़े निकाल दिए हैं। अब शाम आएगा। नहा रहा है अभी। गोगड़ा मोगा काम गोगड़ा में। हम अभी नहा लिए हैं और शाम कपड़े चेंज कर रहा है। अभी अंडर बियर पहन रहा है अपना। तो मैं भी कपड़े पहन लेता हूँ दोस्तों, तो फिर चलते हैं घर। तो मैं अभी जा रहा हूँ गांव में, और रास्ते में था तो मुझे एक खेत नज़र आया, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो फसल आपको नज़र आ रही है, ये है कलौंजी की फसल है, ये इसे बोलते हैं कलौंजी। और ये अचार और पापड़ में जो काला काला दाना दिखाई देता है वही होता है। और यहाँ पर ये मधुमक्खियाँ इसमें से पराग कण निकाल निकाल कर ले जा रहे हैं रस बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए। तो ऐसा है इसका ये। पिछले साल दोस्तों ये जो कलौंजी है इसका भाव 25,000 रुपये कुंटल तक भी रहा था। तो इस वजह से इस बार काफ़ी सारे लोगों ने ये फसल ट्राई किया है हमारे यहाँ पर भी, और पहली बार ही लोग इसकी बुआई किया है। तो देखते हैं कि इस बार इसका जो भाव है वह कैसा रहता है। तो उत्पादन लेकिन इसका कम होता है, एक बीघे में 2 कुंटल या 2.5 कुंटल मैक्सिमम निकलता है। तो देखते हैं कि इस बार इसका कैसा तो उत्पादन रहता है और क्या भाव रहता है। आज का मौसम थोड़ा चेंज लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले धूप निकली हुई थी और अभी आप देख सकते हैं कि छाया हो गई है, यानी ऊपर आसमान में बादल आ गए हैं और आप देख भी सकते हैं नज़र आ रहे होंगे। तो कुछ ऐसा है आज का मौसम, और सन बादलों की ओट में छिप गया है। तो ये यदि बारिश होती है या कुछ अन्य प्राकृतिक आपदा आती है आसमान से, तो किसानों के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगा और फसलों में हानि की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि फसलें अभी लगभग लगभग पककर तैयार हो चुकी है और कुछ होने वाली है। तो ये समय जो है बारिश का मतलब नहीं है, और फसलें कहीं कहीं कट भी रही है, तो जो फसलें कट रही है उनमें भी नुकसान है, और जो पक गई है या 10-15 दिन बाद पकने वाली है तो उनमें भी नुकसान है। तो ये जो मौसम है किसानों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तो ये जो बादल मादल है ये सब हट जाना चाहिए और वापस मौसम अच्छा हो जाए, साफ़ सुथरा, जिससे किसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा है, भगवान करे कि मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाए वापस। अबेच कहाँ जा रहा है, हैं? चल मचल अपन दादा को रंग मचाऊ, मैं भी जा रही हूँ। हाँ मरूंगा मैं, आजा आ नहीं माँ, कोई नहीं। ओए कहाँ जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तू, कहाँ से जा रहे हो, लग कहाँ जा रहे हो, वो भाग गए हो। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं खेत पर, और आप देख सकते हैं ये हमारी सरसों हैं। और पिछली बार जब हम आए थे यहां पर तो ये जो फसल है ये कच्ची थी,
हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी, और जब आज आया हूँ वापस तो आप देख सकते हैं कि ये सूख गई है और आवाज़ भी कर रही है। तो अब ये हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से रेडी है और आज से हम इसकी हार्वेस्टिंग शुरू करने वाले हैं। तो उधर वहाँ पर ऊपर काम चल रहा है, तो चलिए आपको भी लेकर चलता हूँ और दिखाऊँगा मैं कि सरसों की जो है कटाई कैसी चल रही है। यहाँ पर हमारी सरसों की कटाई चल रही है, इधर आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं भी अब सरसों काटने में लग गया हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं कैसे जो इसके पेड़ हैं उनको पकड़ के और दराँते से ऐसे काटते हैं, तो मैं भी काट रहा हूँ और साथ में आप लोगों के लिए भी मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ इसकी कि कैसे इसकी कटाई करते हैं। वैसे काम चल रहा था और इतनी सरसों हमारी कट चुकी है यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, तो ये बाल्टी है और ये एक डिब्बा है, तो इसमें मैं पानी लेकर आऊँगा। अभी जा रहा हूँ मैं कुएं पर। मैंने पानी पी भी लिया है और जो डिब्बा है ये तो इसमें भी भर लिया है मैंने। तो अब चलते हैं दोस्तों खेत पर। दोस्तों मैं अभी अभी खेत से घर आ गया हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं और गर्जना भी कर रहे हैं, तो हो सकता है पानी आ भी जाए नहीं भी, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि बारिश ना हो। और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे भैंस को भी बांधना था और घर पर ये श्याम अकेला ही था यहाँ पर, तो इस वजह से आना पड़ा। हालांकि शाम भी हो ही गई है, कुछ देर बाद काम भी वहाँ का बंद हो जाएगा, पर यहाँ पर आना था मुझे और ये भैंस को भी बांधना था, उसका चारा पानी भी करना था। तो मैं लगूँगा दोस्तों अपने काम में। और दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बैठी हुई थी लेकिन मुझे देखकर खड़ी हो गई है, उसको लग गया है कि हमारी सेवा करने वाला आ गया है कोई भी जो चारा पानी की व्यवस्था उनके लिए करता है, तो वो समझ जाती है। और शाम भी पहुंच गया है, उसका जो बच्चा है उसको लेकर शाम अंदर जाएगा और मैं ले जाऊंगा भैंस को। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द अगले वाले वीडियो में, तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे वीडियोज बनाने में मज़ा आए और मोटिवेशन मिले। तो मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।